गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11। जैसा कि सेकेंड पेपर में आपको हम पढ़ा रहे थे जेलडाल, केलडाल और दीमो विधि के सवाल, इसमें हमने आपको काफी सवाल पढ़ा दिए थे, लगभग 29-30 31 नंबर तक बता दिए थे और 32 नंबर बताना था, शायद 32 नंबर नहीं बताया था, ठीक 32 नंबर से बताना है। देखिए सेकेंड पेपर में काल्पनिक यौगिकों के मात्रात्मक विश्लेषण, चैप्टर का नाम है काल्पनिक यौगिकों का गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण। काल्पनिक यौगिक का मात्रात्मक एवं गुणात्मक विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण जिसके आपके सवाल 31 तक हो गए थे, ठीक है आज इसी के आगे देखेंगे 32 सवाल। देखे 32 नंबर, सबसे पहला है तेरा 0.2046 ग्राम कार्बनिक यौगिक का ट्यूमर विधि से, 0.2046 ग्राम कार्बनिक यौगिक ड्यूमा विधि से, इससे ड्यूमा मेथड से, ड्यूमा विधि से 30.4 मिली नाइट्रोजन, V2 का मान 30.4 मिली नाइट्रोजन 15 डिग्री सेल्सियस और 732 मिमी दाब पर, 15 डिग्री सेल्सियस T1 बराबर 15+273 288 केल्विन T1 दिया है। बढ़िया सवाल है 32 नंबर। P1 दिया है 732.7 मिमी, P1 बराबर 732.7 मिमी, P2 ना दे तो 760 होता है, जब ना दे तो NTP पर कितना होता है 760, ठीक। वो कह रहा है 15 डिग्री सेल्सियस जल का वाष्प दाब जो ये इसमें दिया है -12.7, सीधे सीधे 12 चलेंगे 730 मिमी बचा T1 का मान। V1 आपको ज्ञात करना है, T2 आपको कितना दिया जब नहीं देता है तो 273, लेकिन दिया कि नहीं दिया है। NTP पर 1 लीटर नाइट्रोजन पर भार, ठीक है B1 30.4 सूत्र होता है समीकरण T1 बटे T2 T1 की वैल्यू 730, B1 की 30.4, B1 आपको ये दिया है, B2 आपसे पूछा गया है 30.4, T1 288, T2 760, B2 पूछा है T2 273। सबसे पहले 0.80 करो, 4 × 7 = 28, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 720, 76.7 760, 6 × 0 = 0, 73 = 72, ठीक 10 बचा नीचे V2 बराबर आ गया 273/10 यानी V2 बराबर 27.3 mL। अब ड्यूमा विधि का सूत्र लगा दो, 1/8 गुणा NTP पर N2 का आयतन / पदार्थ की मात्रा दस।
अठारह नवीन बता दो कितना होता है, कितना होता है
162 और 25 समय या 225 और 25 चौको 100 नचो को 36 दूनी 72% हाइड्रोजन आ गया। अरे अभी 9 भी तो लिखा है बटे 9 नौ से नौ कट गए तो चार दुनिया या नौ अट्ठे बात कर चाहे जैसे कर दो हाइड्रोजन आ गई 8% इतनी आ गई 8%। फिर कह रहा है इसी यौगिक को 0.24 ग्राम इसी यौगिक को 0.24 ग्राम पदार्थ केलाल विधि से किस विधि से केलाल विधि से अमोनिया गैस को 25 mm/2 H2SO4 आगे कह रहा है 25 mm/2 H2SO4 को अवशोषित किया गया फिर 40 mm/5 NaOH क्लियर। इसको पहले हल करेंगे बेटा 25 mm/2 H2SO4 इक्वल 2 से 25 काटोगे 12.5 ml NH2SO4 इसको हल करोगे 40 ml N/5 NaOH 5 × 40 8 ml प्रयुक्त अम्ल या शेष अम्ल इक्वल 12.5 - 8 ml NH2SO4 कितना बचेगा घटाओगे ऐसे घटा लिया करो 0.5 × 5 = 4 4.5 ml N H2SO4 से क्या होता फार्मूला जयलाल किला 1.4 × N / 2/W 1.4 N की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 4.5 W की वैल्यू 0.24 दोनों 0.5 हटाओगे तब ये 1 इनका इतना गुणा करोगे दो रुपया रखेंगे 2 रुपया 7×14 होते 12×24 ठीक है 3 × 1=3 3×15 3×12 15 × 7=105/4 4×8=2 4×24=1 4×4=2 4×6=20 नाइट्रोजन आगे 26.25% ठीक है। अब हमें ये देखना है इन तीनों का योग क्या 100 हो रहा है 48 + 8 = 56 और 56 + 30 लगभग 100 नहीं हो रहा तो हमें ऑक्सीजन निकालने के लिए 100 से घटा दो CH और N इन तीनों को जोड़ लेना 100 से घटा देना शेष हमें क्या मिल जाएगी ऑक्सीजन नोट कर लो लगा लो अच्छे ठीक है। आप इसको कंप्लीट करके लगा ले हम नहीं बता रहे CH तीनों को जोड़ लो 100 से घटा लेंगे जितना आएगा वो हमारा ऑक्सीजन आ जाएगा लग गया पूरा सब ठीक है नोट करो जरा।